हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जवारों से बड़ी खबर, किसान बिल के समर्थन में सड़कों पर किसान उतरे हैं। कृषि बिल के समर्थन में सड़कों पर किसान उतरे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में किसानों ने नारे लगाए हैं। बिल को किसानों के हित में यहां बताया गया है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। लोहारू से भिवानी से खबर सामने आ रही है, कृषि बिल के समर्थन में सड़कों पर किसान उतरे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में यहां किसानों ने नारे लगाए हैं। आप देखें कि 20 सितंबर को प्रदेश भर के किसान इन कृषि बिलों का विरोध करते हुए नजर आए, अध्यादेशों का विरोध करते हुए नजर आए, और साथ ही अब किसान समर्थन में भी उतर आए हैं। यहां पर देखिए, ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में यहां किसानों ने नारे लगाए, जहां एक ओर प्रदेश के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर किसान सरकार के समर्थन में भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में यहां किसानों ने नारे लगाए हैं, बिल को किसानों के हित में ही बताया है। एक और तमाम किसानों का कहना है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, दूसरी ओर किसान कह रहे हैं कि बिल तो किसानों के हित में ही है। लोहारू भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में यहां किसानों ने नारे लगाए हैं। ये तस्वीरें आपको लोहारू से दिखा रहे हैं हम। देखिए, यहां पर किसान इन बिलों के समर्थन में उतरे हैं। एक बार फिर रुक लेते हैं हमारे संवाददाता महासिंह की ओर। महासिंह, क्या जानकारी मिल पा रही है किसानों की ओर से, क्या कहा गया, क्यों यहां समर्थन में उतरे हैं? देखिए, आज जो किसान हैं इनका ये कहना है कि जो गधे किसान ने जो पास किए हैं किसानों के हित में होंगे, और इनका कहना है कि जो संगठन में जो पार्टी विरोध कर रही है वो किसान हितैषी नहीं है। इन्होंने खुल के किसानों ने सरकार का समर्थन कराया और प्रधानमंत्री का इन्होंने आभार भी जताया जी। अच्छा महासिंह, अगर इन किसानों की संख्या की बात करें तो लगभग कितनी संख्या में किसान यहाँ एकत्र हुए होंगे, और देखिए अगर ये समर्थन कर रहे हैं तो किस बेस पे समर्थन कर रहे हैं, किस कारण पे समर्थन कर रहे हैं, किस कारण से इस बिल को किसानों के हित में बता रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के किसान इस बिल के विरोध में है? देखिए, संख्या की बात की, किसान आज लोहारू कॉलेज के पास काफी संख्या में इकट्ठे हुए और यहाँ से किसानों ने अपना काफिला लेके देवीलाल चौक, भगत सिंह चौक, बाजार होते हुए किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री पार्क में अपना काफी जो प्रदर्शन था वो समाप्त किया और इन्होंने सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। अच्छा मासिक, आपने किसी किसान से बात की हो, किसी किसान नेता से बात की हो तो जरा वो भी बताए उनकी ओर से कैसे ये किसानों के हित में बताए गए ये बिल, ये कौन सा संगठन है ये भी बताए। इन किसानों का नेताओं तो इनसे बात हुई थी तो इनका ये कहना था कि सरकार बनने के बाद किसानों के बीमा पॉलिसी की बात हो चाहे समर्थन मूल्य, कौन सी किसान, कौन सी सरकार बनने के बाद महासिंह जी, कौन सी सरकार की बात कर रहे थे किसान, क्या कहना था, क्यों समर्थन में है ये, क्या कारण, क्या बेस बताया गया इनकी ओर से? किसानों का ये बेस था कि इनका ये कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद में अच्छे समर्थन मूल्य पे हर फसल खरीद की मंडियां लग रही है और ये किसान हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं। और ये जो का ये कहना था कि जो विधेयक पास हुए है ये भी किसान हितैषी है, किसानों के पक्ष से है, और कुछ नेता लोग या कुछ संगठन इनको गुमराह कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनका ये कहना था जी। अच्छा, जो किसान विरोध कर रहे हैं क्या उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया आपने ली इन किसानों से? उनसे पूछा गया था इस मामले में तो यहाँ भी कुछ संगठन है वो अपनी मांग रख रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो इन किसानों को ये कहना था कि ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके इशारे के ऊपर इस तरह का ये किसान विरोध कर रहे हैं जी। अच्छा, तो यहाँ के जो किसान हैं, बात मैं अगर पिछली फसलों की करूं तो यहाँ के किसानों ने टमाटर की जो फसल की ही मैं बात कर लेती हूँ, वो फसल नष्ट की है। लोहारू के आसपास तो शाम के आसपास के किसानों को टमाटर का भाव नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, इनको खेती में लाभ हो रहा है। इन किसानों का ये मानना है कि जैसे ओलावृष्टि हुई तो पिछली जो फसलें जो बर्बाद हुई उनका 14 करोड़ रुपया मुआवजा जारी किया है, पीछे भी जो ओलावृष्टि उसके भी पैसे अच्छे किसानों को मिले हैं, तो इस तरह से जो टमाटर की जो फसल बर्बाद हुई उसका भी सरकार की तरफ से
किसानों को आश्वासन मिला था भरपाई के लिए, तो इन सभी बातों को देखते हुए इनके इनका ये कहना है कि सरकार किसान हितैषी है और ये जो बिल है किसानों के पक्ष में है और लोग गुमराह कर रहे हैं। जी चलिए बहुत शुक्रिया मां सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जहां हरियाणा पंजाब के किसान इन बिलों के विरोध में, तो वहां देखिए समर्थन में भी लोहारू के किसान नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर अगर भिवानी क्षेत्र की बात करें तो जब गेहूं की कटाई हो रही थी और टमाटर की फसल तब अपनी पकाई के अंतिम पड़ाव पर थी, तो तब किसानों ने फसल की बिक्री ना होने के चलते, टमाटर की सही खरीद ना होने के चलते यहाँ टमाटर भी नष्ट किए थे। किसानों ने धरना दिया था। किसानों का कहना था कि टमाटर 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बेच रहे हैं, उन्हें कृषि में फायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन अब आप देखें किसान यहाँ सरकार के समर्थन में नजर आ रहे हैं, सरकार के समर्थन में ट्रैक्टर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं।